एनर्जी निकालनी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। भाई बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे बेटा, उनकी टोटल एनर्जी, टोटल का मतलब बेटा दो एनर्जी होगी, एक काइनेटिक होगी एक पोटेंशियल होगी, दो एनर्जी बनेगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। देखिए बेटा सबसे पहले तो टोटल एनर्जी का मीनिंग क्या है, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट। दो एनर्जी है, वन इज काइनेटिक एनर्जी बाय वर्चू ऑफ मोशन। देखो बेटा दो एनर्जी है तो टोटल एनर्जी जो आएगी बेटा यहां, टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है सभी को पता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स बाय, पता ही बेटा बाय विच ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय बाय इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन देयर स्टेशनरी स्टेट, इन देयर स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट के अंदर जो रिवॉल्व कर रहे प्रोजेस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इन देयर स्टेशनरी स्टेट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, वही सेम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय वर्चू ऑफ देयर पोजिशन। भाई पोजिशन की वजह से, क्योंकि वो कहां पर है, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, तो ये दोनों एनर्जी जो है क्या बनेगी बेटा, काइनेटिक। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एनर्जी पहले तो बेटा क्या बोले आपने, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बाय वर्चू ऑफ मोशन, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्चू ऑफ पोजिशन। पोजिशन का मतलब है बेटा वो कौन से ऑर्बिट में है, कहां है, पहले ऑर्बिट में है, दूसरे में या तीसरे में, इसका मतलब यो है। अब करते हैं बेटा वन बाय वन डेरिवेशन करते हैं, देखिए ये करता पहले करेंगे बेटा हम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो बेटा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स था, न्यूक्लियस है, ये जेड इंटू ई चार्ज है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा सभी को पता है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, ये आएगी वन बाय टू एम इंटू वी स्क्वायर। वी क्या बेटा, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की है, अरे यो हमने पहले रखा है, यहां क्या लेके चलेंगे एन, वी एन क्या लेके चलेंगे बेटा, वी एन, वी एन, हाँ बेटा वी एन हम पहले कर चुके हैं। तो वी एन की जो वैल्यू है बेटा कितनी थी, वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू आपका जो टर्म आएगी वेलोसिटी वो आएगी जेड ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन ऑफ एन एच, वेयर वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच, ये वेलोसिटी की बेटा क्या थी, ये वेलोसिटी। तो यहां पुट कर दो क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाय टू नोगानो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नोगानो, काइनेटिक इसका वी का स्क्वायर करियो बेटा वी एन का स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई की पावर फोर बाय टू का स्क्वायर फोर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। आगे बेटा तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो है क्या बनी, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बेटा, फोर इंटू टू एट, तो दैट इज वन बाय एट, ऊपर बन गया बेटा जेड स्क्वायर ई की पावर फोर इंटू एम बाय ये बन गया बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इक्वेशन वन ले लीजिए बेटा। अब क्या निकालना आपने, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यार निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा क्या करोगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, सुनो बेटा इसकी वजह से पहले तो यहां क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल
क्या निकालोगे बेटा? पोटेंशियल। और चार्ज कितना है? माइनस ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई है। तो बेटा आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले क्या निकालोगे? क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एट मतलब कि यहां कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो V बराबर बेटा क्या आ गया? पोटेंशियल क्या हो गया? 1/4 pi epsilon चार्ज क्यू बाय आर। वट इज क्यू? किसकी वजह से? इसकी वजह से। कितना है? जेड ई बाय आर, आर दैट इज द आर। ओके, ये आर सिंपल नहीं है, वी आर टेकिंग एनएथ ऑर्बिट, हम एनएथ ऑर्बिट में लेके चलेंगे। सो दैट इज अ पोटेंशियल, और पोटेंशियल गुना चार्ज क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल कितना? ये रहा। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस ई। तो क्या आएगा बेटा? 1/4 pi एप्सिलॉन जेड ई बाय आर एन इंटू माइनस का ई। तो क्या ई ले बताना? माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय, देखो बेटा माइनस है ये, माइनस का आर एन की वैल्यू पुट कर दो। रेडियस कितनी थी? रेडियस का फॉर्मूला क्या था बेटा? व्हाट इज आर एन? आर एन था आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय जेड ई स्क्वायर पाई एन। नो नो बेटा, ये था देखिए, व्हाट इज आर एन? रेडियस जो थी बेटा एनथ ऑर्बिट में, रेडियस का फॉर्मूला था आर एन का एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर पाई एन। यो था बेटा ये वाला, तो ये पुट कर दो यहां, क्या बन गया? दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, साथ में क्या बेटा? एप्सिलॉन नॉट बाय ऊपर जाओगा जेड ई स्क्वायर पाई इंटू एम। तो बेटा पाई से पाई कैंसल, क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। बताना बेटा मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या बने बेटा? देखिए माइनस का जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम बाय बेटा 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो क्या है बेटा? 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड एप्सिलॉन स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर बी या सेकंड, या आप ए ले लीजिए बेटा, ए एंड बी, दीज आर द टू इक्वेशंस। या निकल गई काइनेटिक एनर्जी, या निकल गई पोटेंशियल, लेकिन बेटा जो दोनों एनर्जी है इसकी, तो क्योंकि चल भी रहा काइनेटिक एनर्जी और दूर भी है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का सम कर दो टोटल एनर्जी। तो आज हमने जो डेरिवेशन कराया बेटा, ये हम कर रहे हैं टोटल एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट टोटल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपकी? 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम। तो बेटा बाय नाउ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोला बेटा आपने? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, यही था ना बेटा, बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम बाय 4, और बेटा यहां आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्या चीज कॉमन है? सारी चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है बेटा, ये देखो, ये देखो, क्या कॉमन, क्या ले लिया कॉमन आपने? इट मीन जेड जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ई की पावर 4 एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। क्या कॉमन, क्या रहेगा बेटा यहां? 1/8 माइनस 1/4 एलसीएम, 1/8 आ गया ना, 8 एलसीएम आ गया बेटा, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो क्या है बेटा आपका? या माइनस 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम बाय कितना आया आपका? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखो कि जो टोटल एनर्जी आई वो कितनी आई? माइनस 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड एप्सिलॉन स्क्वायर।
दैट इज द टोटल एनर्जी एंड दैट इक्वेशन इज सी। एनर्जी आपकी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी थी 1/8 z² e^4 m/n² h² एंड ε0² तो देखो बेटा इसने देखो क्या है, क्या मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है बेटा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी बराबर है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां से दिखाई दे रहा है। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी आई थी कितनी थी बेटा 1 - 1/4 का बेटा z² e^4 m/n² h² एंड ε0² ये था बेटा। और मैंने एक बात बोली बेटा कि है ना हमेशा जब आप डेरिवेशन कर लो खत्म, आप एक बार चेक करना कि आप जिसके लिए डेरिवेशन कर रहे हो उसमें एन ने छोड़कर कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और सारे क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट, सिर्फ एन क्यों होना चाहिए वेरिएबल, क्योंकि एन क्या था नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या था बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो बेटा यहां पर देखो क्या आया कि पोटेंशियल एनर्जी जब चेक करोगे, देखना बेटा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल का कितना टोटल का कितना कर दो दुगुना, कितना करते हैं दुगुना कर दो करोगे तो तभी तैयार आएगी ना, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी की, किसके बेटा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी की। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है प्रूफ करो कि जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है बेटा, वो जो है आपकी नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने बेटा कर रखा है टोटल एनर्जी बता रखा है आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रूफ क्या करना था कि टोटल एनर्जी किसके बराबर बताई, किसके बराबर बोल रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी के, भाई टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ये प्रूफ करना बेटा। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करो बेटा पोटेंशियल ने तो खत्म ही करा फिर, क्योंकि हमने किसके बारे में है यो टॉपिक है बेटा टोटल और काइनेटिक का, तो टोटल और काइनेटिक टोटल तो रखो और काइनेटिक रखो, पोटेंशियल ने खत्म कर दो बेटा, पोटेंशियल बराबर कितना है, अरे भाई पोटेंशियल किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ टोटल, तो क्या जगह ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये बराबर है टोटल एनर्जी। इसने इधर ले आओ बेटा, ये तो वन है ये टू है, वन में से टू गया माइनस वन, तो बेटा माइनस टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी, तो यही तो था ये ना टोटल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है नेगेटिव है, ये तो था टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। यदि वो पूछ रहे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, फिर क्या करोगे बेटा आपने काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देना, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या कर दोगे माइनस टोटल एनर्जी रहे बेटा, यहां ये माइनस है इधर से आ गया ट्वाइस, क्या हो जाएगा ट्वाइस यही बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये था, अब इसमें जो है बेटा एक बात ध्यान रखना है, एक देखिए ये किसकी है एनर्जी किसकी है बेटा, या जो इलेक्ट्रॉन एनथ ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस था जेड इंटू चार्ज था, ये रेडियस थी बेटा एनथ ऑर्बिट की, ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहे थे, तो बेटा यहां जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी एनर्जी देखिए लास्ट ऑर्बिट में आपने निकाली थी भाई, लास्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो ई एन बराबर क्या है बेटा, ई एन बराबर था आपका कितना बेटा दैट इज -1/8 z² e^4 m/n² h² एंड ε0² ये थी बेटा। यहां से आपको क्या पता लगता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है z² / n² अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बढ़ाते चल जाओ, एन बढ़ता जाओगा मतलब पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट, यदि एन ना बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी कम, कम का मतलब है एनर्जी कम होगी, जब एनर्जी कम होगी ना इसीलिए आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट जो होता है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यदि ये आउटर मोस्ट है बेटा ये वाला तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना क्या सर्कुलर में चलेगा, कैसा चलेगा इरेगुलर, क्या चलेगा इरेगुलर चलेगा, क्यों दैट विल बिहेव एज अ फ्री, किसका बिहेव करेगा फ्री का, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्री होते हैं बेटा, वो फ्री नहीं होते रिजेंबल करते हैं मिलते हैं,
क्यों? क्योंकि आउटरमोस्ट में ऑर्बिट की संख्या क्या ज्यादा, नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा, लास्ट ऑर्बिट है ना, तो एन ज्यादा जगह तो एनर्जी क्यों जगह कम, एनर्जी कम होगी तो उसका मतलब वो किस में चलेगा, इरेगुलर, क्या चलेगा बेटा, इरेगुलर चलेगा, नॉट इन द सर्कुलर पाथ। तो ये था आपका टॉपिक बेटा टोटल एनर्जी का।